Dear students, welcome in the lecture on structure of metal carbonates. तो इस लेक्चर में हम स्पेशली बच्चों पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर मेटल कार्बोनिल्स का कैसा होता है और कैसे जो फर्स्ट सीरीज है, जो सेकंड सीरीज है, जो थर्ड सीरीज है ट्रांजिशन मेटल्स की, उनके कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर में किस तरीके से डिफरेंस होता है. और इसके अलावा हम देखेंगे जो मोनो कार्बोनिल्स हैं, जो डाई कार्बोनिल्स और बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं, पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर हमने दिया हुआ है कि अगर मैं फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूँ तो ये डिफ्रेंसेस होते हैं उनके कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर में. तो अगर हम बाइनरी कार्बोनिल की बात करें, देखिए बाइनरी कार्बोनिल है अधिकतर जो कार्बोनिल्स हैं जहां पर केवल एक मेटल है और दूसरा कार्बोनिल है. बाइनरी मतलब दो तरीके के ग्रुप्स हैं, एक मेटल है और एक कार्बोनिल है. तो अगर हम बाइनरी कार्बोनिल्स की बात करें तो जनरली अगर हम इस तरीके के एक सीरीज की बात करें, ये देखेंगे कि जो वेनेडियम है वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये नॉन कंपाउंड है वेनेडियम का, जो हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम कॉम्प्लेक्स है, जबकि नियोबियम और टेंटेलम जो कि वेनेडियम के नीचे होते हैं ग्रुप में, ये इनके जो बाइनरी कार्बोनिल्स हैं वो नॉन नहीं है. जो वेनेडियम है, जो फर्स्ट सीरीज का मेंबर है, वो जो उसका जो कार्बोनिल है वो नॉन है. देखिए ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है और ये थर्ड सीरीज है. तो आप देखेंगे जो फर्स्ट सीरीज के जो जो कार्बोनिल्स हैं दे आर नॉन, लेकिन सेकंड और थर्ड सीरीज के जो कार्बोनिल है वो नियोबियम और टेंटेलम के नहीं होते हैं. दूसरा अगर आप देखेंगे, देखिए निकिल के नीचे कौन है, पैलेडियम. तो आप अगर आप देखेंगे कि निकिल तो स्टेबल कार्बोनिल फॉर्म करता है, टेट्रा कार्बोनिल, लेकिन पैलेडियम जो है वो जो फॉर्म करता है कार्बोनिल वो लो टेम्परेचर पर ही स्टेबल होता है. कैसे अगर हम आगे देखेंगे, देखिए ऑस्मियम का कार्बोनिल और रुदिनियम का कार्बोनिल, दे आर लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू FeCO5. तो आप देख सकते हैं आयरन फर्स्ट सीरीज का है, देन सेकंड सीरीज, देन थर्ड सीरीज. तो जो फर्स्ट सीरीज का जो कार्बोनिल है वो क्या है, स्टेबल है, और जो जो सेकंड और थर्ड सीरीज के कार्बोनिल्स हैं वो कम स्टेबल है. ओके, अब आप आगे आइए, देखिए अगेन आप देखिए, ये बात जो हम कर रहे हैं अभी, ये जो हमने बात की ये मोनो कार्बोनिल्स की बात की. देखिए एक वेनेडियम है, एक पैलेडियम है, एक निकिल है, एक ऑस्मियम है, एक रुदिनियम है और एक आयरन. तो ये मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल का केस है कि जहां पर आपने देखा कि जो फर्स्ट सीरीज है वहां के जो कार्बोनिल्स हैं दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द कार्बोनिल्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज. अब आगे बढ़िए, देखिए डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल या इसको बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल भी कह सकते हैं. तो ये जो डाइन्यूक्लियर कार्बोनिल आ गया, यहां पर आप देखिए अगेन आप देखेंगे जो रुदिनियम का डाई कार्बोनिल है और जो ऑस्मियम का डाई कार्बोनिल है दे आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दी डाई कार्बोनिल ऑफ आयरन. तो आयरन के डाई कार्बोनिल से ये क्या है, कम स्टेबल होता है. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो स्टेबिलिटी है वो सेकंड और थर्ड सीरीज में कम है और स्टेबिलिटी फर्स्ट सीरीज के मेंबर में अधिक है. लेकिन और आगे आइए, आगे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल की बात कर रहे हैं. तो ट्राई न्यूक्लियर जो कार्बोनिल है उसके केस में अगर आप देखेंगे तो सेकंड सीरीज का जो मेंबर है और जो थर्ड सीरीज का मेंबर है उसके ट्राई कार्बोनिल अधिक स्टेबल है और जो फर्स्ट सीरीज का जो कार्बोनिल है वो कम स्टेबल है. क्यों? ड्यू टू ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ मेटल मेटल बॉन्डिंग ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज. जो सेकेंड और थर्ड सीरीज है उनकी जो टेंडेंसी है मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की वो अधिक होती है और जो फर्स्ट सीरीज होती है उसकी मेटल मेटल बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम होती है. और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम यानी फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड सीरीज की ओर जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी. और पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल में मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है, वो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड. तो इसलिए आप देखेंगे कि जब मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल की बात करेंगे, जब डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल की बात करेंगे, उस समय आप देखेंगे कि जो फर्स्ट सीरीज है उसके मेंबर जो है वो अधिक स्टेबल होंगे. लेकिन अगर हम पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल की बात करेंगे तो जो सेकेंड और थर्ड सीरीज के जो कार्बोनिल्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे और फर्स्ट सीरीज का जो कार्बोनिल होगा वो कम स्टेबल होगा.
जो दूसरे तरीके का जो स्ट्रक्चर में आप चेंजेस देखेंगे वो देखेंगे कि इन केस ऑफ कार्बोनिल्स द टेंडेंसी ऑफ कार्बोनिल टू ब्रिज विद ट्रांजिशन मेटल डिक्रीजेस इन गोइंग डाउन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो ब्रिजिंग की टेंडेंसी होगी कार्बोनिल की वो कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होगा? दिस इज बिकॉज द ऑर्बिटल्स ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स आर लेस एबल टू ओवरलैप इफेक्टिवली विद द ट्रांजिशन मेटल्स और आयंस एज द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे मेटल आयन का साइज इंक्रीज होगा, जब हम फर्स्ट सीरीज से सेकेंड सीरीज जाएंगे और थर्ड सीरीज जाएंगे, तो जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज होगा तो आप देखेंगे कि ये जो होंगे इनकी ब्रिजिंग की टेंडेंसी कम होगी, इसकी अधिक होगी और इसकी सबसे अधिक होगी। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ब्रिजिंग की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो ब्रिजिंग की टेंडेंसी कम होती जाएगी क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग है इस मेटल की इस कार्बोनिल के ऑर्बिटल के साथ ये उतनी आसानी से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे जो Fe2CO9 है इसमें 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल्स होते हैं, जबकि Ru2CO9 OS2CO9 में कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनिल नहीं होते हैं। तो दो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। यहां पर मैंने एक डिफरेंस जो आपको बताया वो बताया है कि जो अगर मैं फर्स्ट सीरीज के कार्बोनिल की बात करूं, अगर मैं सेकंड कार्बोनिल के सीरीज के कार्बोनिल की बात करूं, अगर मैं थर्ड सीरीज के कार्बोनिल की बात करूं, तो आप ये देखेंगे कि अगर और दूसरा मैं किसकी बात करूं, मोनो एंड डाई न्यूक्लियर और बाई न्यूक्लियर हम कह सकते हैं, इन कार्बोनिल्स की अगर मैं बात करूं, ओके, तो अगर मैं इन कार्बोनिल्स की बात करूंगी तो आप ये देखेंगे जो फर्स्ट सीरीज के जो कार्बोनिल्स होंगे वो सबसे अधिक स्टेबल होंगे, देन सेकंड के होंगे, देन थर्ड सीरीज के होंगे। जो कार्बोनिल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो हमने एक तो स्टेबिलिटी की बात की, और अगर यही क्या होंगे, अगर ये क्या होंगे, पॉली न्यूक्लियर, अगर पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स की बात करें जहां पर क्या होता है जो बॉन्डिंग है MM बॉन्डिंग, यहां पर क्या होता है MM बॉन्डिंग इंक्रीजेस, MM बॉन्डिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जहां पर MM बॉन्डिंग इंक्रीज होगी वहां पर आप देखेंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर होंगे वो सबसे कम स्टेबल होंगे, देन सेकेंड ग्रुप के, देन थर्ड ग्रुप के सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि थर्ड ग्रुप की टेंडेंसी मेटल मेटल बॉन्डिंग की क्या होती है, अधिक होती है, ओके। और अब हमने दूसरी बात की, ये पहली बात क्या थी, दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग इज अबाउट द स्टेबिलिटी, हमने मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी की बात कही। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बात हम कर रहे हैं अबाउट ब्रिजिंग, ब्रिजिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं उनकी जो ब्रिजिंग टेंडेंसी है वो कैसी होगी। तो अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें, सेकंड सीरीज की बात करें और थर्ड सीरीज के मेटल कार्बोनिल्स की बात करें, तो जो ब्रिजिंग टेंडेंसी है वो इस ऑर्डर में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ब्रिजिंग टेंडेंसी, ब्रिजिंग टेंडेंसी किसकी, कार्बोनिल की। तो ये ब्रिजिंग टेंडेंसी क्या होगी, जो जो सबसे नीचे के जो ग्रुप्स होंगे उनके मेटल कार्बोनिल्स में ब्रिजिंग टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो ये दो चीजें मेन हमने पढ़ी स्ट्रक्चर में, स्टेबिलिटी एंड ब्रिजिंग की टेंडेंसी के बारे में। इससे रिलेटेड देन वी विल गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, तब हम देखेंगे मेटल कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर। तो इसमें पहला जो हमने ग्रुप देखा वो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स है, जहां पर हम तीन तरीके के स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जहां पर आप देखेंगे कि ये मेटल सेंटर है, इट मे बी निकल, इट मे बी पैलेडियम, और चार इसके साथ कार्बोनिल जुड़े हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। मेटल यहां पर कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा, मेटल विल बी sp3 हाइब्रिडाइज, और चार कार्बोनिल कैसे होंगे, दीज आर टर्मिनल कार्बोनिल्स। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखेंगे मोनोन्यूक्लियर में वो कैसा स्ट्रक्चर है, टाइगनल बाई पिरामिडल, ये मेटल सेंटर है और मेटल सेंटर के साथ दो कार्बोनिल जो है प्लेन के ऊपर और नीचे होंगे, और तीन जो कार्बोनिल्स होंगे दे आर इन द प्लेन। तो इसलिए जो मेटल के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d,
तो यहाँ पर आयरन, रुदीनियम एंड ऑस्मियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। थर्ड स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे वो है ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री मीन्स मेटल सेंटर के साथ 6 कार्बोनल्स जुड़े हुए हैं और उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं वेनेडियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन के कार्बोनल्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेटल है वो sp3d2 या आप कह सकते हैं इट मे बी d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि सारी की सारी जो कार्बोनिल्स हैं दे आर टर्मिनल, देखिए टर्मिनल कार्बोनिल, ब्रिजिंग होने का मतलब नहीं है क्योंकि ब्रिजिंग वहां पर होगी जहां पर दो मेटल्स होंगे और मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी। फिर आप देखिए कि हम नेक्स्ट अगर देखें तो हम बाई मॉलिक्यूलर बाई न्यूक्लियर कहेंगे इसको, एक्चुअली हम इसको बाई न्यूक्लियर या डाई न्यूक्लियर कह सकते हैं, यानी इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा MO2COX, ठीक है MO2COX हो सकता है फॉर्मूला, एक्स मे बी 8 मे बी 10 इस तरीके से आप देखेंगे। ओके तो अब देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया वो CO2CO8 का दिखाया है, जो CO2CO8 है वहां पर दो CO है तो एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा, देखिए एक मेटल मेटल बॉन्ड है और आप देख सकते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में क्या होगा एक इक्विलिब्रियम होता है। और यहां पर आप देखेंगे कि सॉल्यूशन में ये स्ट्रक्चर अधिक होता है जहां पर आप देखेंगे चारों कार्बोनिल्स एक कोवॉल्ट के साथ टर्मिनल है और चारों कार्बोनिल्स दूसरे कोवॉल्ट के साथ टर्मिनल है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कोवॉल्ट जो है वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड है और ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर पिरामिडल टाइप के शेप में। और यहां पर जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो सॉलिड स्टेट में होता है वहां पर आप देखेंगे कि दोनों कार्बोनिल के साथ तीन तीन कार्बोनिल, दोनों का कोवॉल्ट के साथ तीन तीन कार्बोनिल के हैं टर्मिनल हैं और ये जो कार्बोनिल है ये क्या है ब्रिज्ड है, देखिए दो ब्रिज्ड कार्बोनिल और ये जो जो किनारे से है ये टर्मिनल कार्बोनिल है, तो दोनों तरीके के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। और यहां पर आप अगर आप देखेंगे कोवॉल्ट जो है वो 6 कोऑर्डिनेटेड है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहां पर ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में एक कोबाल्ट के चारों ओर कार्बोनल्स अरेंज्ड हैं। तो इस तरीके से ये एक ऐसा कार्बोनिल है जो कि दोनों तरीके के स्ट्रक्चर शो करता है जहां पर टर्मिनल भी हो सकते हैं और ब्रिजिंग कार्बोनिल एंड टर्मिनल दोनों तरीके के पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर आप डाइकार्बोनिल देखेंगे तो आप देखेंगे कि आयरन का Fe2CO9 और यहां पर अगर आप देखेंगे कि आयरन का जो Fe2CO9 है, देखिए यहां पर दो Fe-Fe बॉन्ड है और तीन आप देख रहे हैं ब्रिजिंग कार्बोनिल, देखिए ये दो है और तीसरी ये है और 6 कार्बोनिल क्या है टर्मिनल है, तो एक आयरन आयरन बॉन्ड है यानी एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तीन क्या है ब्रिजिंग कार्बोनिल और 6 क्या है इसमें आप देखेंगे टर्मिनल कार्बोनिल है। एक कार्बोनिल अगर आयरन सेंटर को आप देखेंगे तो 7 कोऑर्डिनेटेड आपको दिखाई देगा। अब इसी में देखिए ये आयरन है, आयरन के बाद आप देखेंगे TCRE और एक आप देखेंगे MnTCRE, एक्चुअल में आयरन के बाद तो नहीं कहेंगे, जो MnTCRE है इनके जो फॉर्मूला है एकदम डिफरेंट है M2CO10 यानी Mn2CO10 TC2CO10। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक ऐसा डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल है जहां पर कोई भी जो ब्रिजिंग कार्बोनिल है वो प्रेजेंट नहीं होती है, सारी की सारी जो कार्बोनिल्स हैं दे आर टर्मिनल, ये Mn है मान लीजिए ये Mn है तो 5 कार्बोनिल यहां है और 5 कार्बोनिल यहां है, तो सारी की सारी कार्बोनिल Mn2CO10 TC2CO10 और Re2CO10 में ये क्या होती है टर्मिनल कार्बोनिल ही पाई जाती है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जब आप EN रूल पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कितने मेटल मेटल बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं एक पर्टिकुलर मेटल कार्बोनिल में। तो और दूसरा जो हमें ये पता चलता है ये हायर लेवल का है कि ये कितने टर्मिनल हैं या टर्मिनल हैं और ब्रिजिंग भी है, ये हमें किससे पता चलता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। नेक्स्ट अगर हम तीसरे टाइप की जो कैटेगरी है वो देखेंगे तो वो है पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, जहां पर ये जो M है इट मे बी 3 इट मे बी 4 ये इस तरीके के कार्बोनिल हो सकते हैं। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं कार्बोनिल्स वो है M3CO12 टाइप। अब M3CO12 टाइप में भी दो तरीके के, देखिए यहां पर जो सेंटर है वो आयरन है यानी ये जो फॉर्मूला है ये है Fe3CO12, हम इस कार्बोनिल की बात कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं OS3CO12 और
Ru3CO12 की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए एक ही ग्रुप के होने के बाद भी इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आयरन जो फर्स्ट सीरीज का मेंबर है वहां पर ब्रिजिंग की टेंडेंसी अधिक होगी, और जो OS और Ru हैं जो कि सेकंड और थर्ड सीरीज के मेंबर है यहां पर ब्रिजिंग की टेंडेंसी नहीं होगी, सारे के सारे क्या होंगे टर्मिनल कार्बोनिल्स होंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। देखिए यहां पर क्या है, तीन आयरन ट्राइंगल क्या बना रहे हैं, आइसोसीलस ट्राइंगल, ये दो लेंथ बराबर हैं और तीसरी लेंथ इनके बराबर नहीं है। तो आइसोसीलस ट्राइंगल है तो दो आयरन सेंटर एक से हैं और एक आयरन सेंटर अलग है। ये आयरन सेंटर का कैसे पता चला होगा, ये हमें मोसबार स्पेक्ट्रा से पता चलता है। इसका मतलब दो तरीके के आयरन है, एक आयरन दो मतलब दो तो ये एक से है और एक ये है, क्यों, क्योंकि इस वाले आयरन में चार कार्बोनिल टर्मिनल है जबकि ये जो कार्बन जो आयरन है इनमें तीन तीन कार्बोनिल टर्मिनल है और दो कार्बोनिल क्या है ब्रिजिंग है। तो ये बेसल जो आयरन एटम्स हैं इनमें ब्रिजिंग कार्बोनिल्स भी है जबकि एपिकल जो एपिकल पोजिशन पर जो आयरन है वहां पर चार कार्बोनिल है क्योंकि ये जो आयरन है वो क्या है डिफरेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, जबकि अगर आप OS3CO12 और Ru3CO12 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। इक्विलेटरल यानी सारी जो डिस्टेंस है वो बराबर है MM के बीच की। देखिए कितने MM बॉन्ड है, एक दो और तीन, यानी 3 MM बॉन्ड है अगर M3 होगा, और जो कार्बोनिल्स हैं वो चार कार्बोनिल टर्मिनल प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे M4CO12 टाइप का। M4CO12 टाइप में अगेन हम स्ट्रक्चर देखेंगे कोबाल्ट और रोडियम और IR का इरिडियम के कॉम्प्लेक्स को। तो आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे देखिए ब्रिजिंग खत्म हो गई तो सारे के सारे जो कार्बोनिल्स हैं दे बिकम टर्मिनल, सारे के सारे कार्बोनिल कैसे हो गए टर्मिनल हो गए। लेकिन ये जो मेटल्स हैं दे फॉर्म टेट्राहीड्रल, दे आर अरेंज टेट्राहीड्रली। देखिए टेट्राहीड्रल के चार कॉर्नर पे IR हमने अरेंज कर दिए और फिर आप देखिए इनके बीच में कितने बॉन्ड है, देखिए 1 बॉन्ड, 2 metal metal bond, 3 metal metal bond, 4 metal metal bond, 5 metal metal bond एंड 6 metal metal bond। कितने मेटल मेटल बॉन्ड बनेंगे, यानी आपको याद रखना है अगर चार मेटल सेंटर हैं तो कितने मेटल मेटल बॉन्ड बनेंगे, 6 बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। तो क्यों, क्योंकि ये टेट्राहीड्रली अरेंज्ड है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है तभी आपको EN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल आप कर पाएंगे। तो हमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स में 6 MM बॉन्ड हैं, अंतर यह है कि यहां पर आपको ब्रिजिंग कार्बोनिल भी दिखाई दे रहा है। देखिए ब्रिजिंग कार्बोनिल आप देखिए 1, 2, 3, 4 मेटल सेंटर अरेंज्ड हैं, इसमें से 3 मेटल ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि एक ये ब्रिजिंग कार्बोनिल है, एक ये ब्रिजिंग कार्बोनिल, एक ये ब्रिजिंग कार्बोनिल है। इन दोनों मेटल के बीच में यह है, इन दोनों मेटल के बीच में यह है और इन दोनों मेटल के बीच में ये वाली कार्बोनिल ब्रिजिंग है जो कि म्यूटू टाइप ब्रिजिंग है। ये सारी की सारी ब्रिजिंग क्या है, म्यूटू टाइप है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि केवल 2 मेटल सेंटर्स के बीच में क्या है ब्रिजिंग है, और ये तीनों मेटल के साथ जो ब्रिजिंग कर रहे हैं दो कार्बोनिल दे आर टर्मिनल, जबकि एक जो छूटा हुआ है उसके साथ 3 टर्मिनल कार्बोनिल्स होंगी। तो इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग होती है जबकि यहां पर सारी की सारी कार्बोनिल क्या होंगी टर्मिनल होंगी। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने और पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल लिया जिसमें कि M6 है। M6 का मतलब है कि जो M होगा वो क्या होंगे ऑक्टाहीड्रली अरेंज्ड होंगे। कैसे देखिए ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री आपको इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये देखिए ये हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं, देखिए ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये एक दूसरे से इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। देन नेक्स्ट बॉन्ड कैसे बनेंगे, देखिए ये M, ये M, ये M और ये M। अब आप टोटल बॉन्ड काउंट कर सकते हैं कितने बॉन्ड बन रहे हैं जब हम ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल कितने MM बॉन्ड हैं, अगर आपको पूछा जाए कि अगर एक M6 टाइप है तो उसमें कितने MM बॉन्ड होंगे, 12 MM बॉन्ड होंगे, 6 MM बॉन्ड नहीं होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ज्योमेट्री है, यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो फेस है, देखिए 5 जो 6 के 6 M है वो अरेंज हो गए हैं। ये CO16 का स्ट्रक्चर है, जो मेटल है देखिए 1 metal, 2 metal, 3 metal, 5 metal, 4, 5, 6 से 6 metal जो है वो ऑक्टाहीड्रली अरेंज्ड है। अब आप देखिए इस ऑक्टाहीड्रल का आप फेस देखिए, देखिए ये फेस,
ठीक है। इस फेस में आप देखिए, इस मेटल से ये कार्बोनिल जुड़ी है, इससे कार्बोनिल जुड़ी है, इससे जुड़ी है, तो कैसी ब्रिजिंग है? म्यू थ्री ब्रिजिंग, क्योंकि तीन मेटल सेंटर जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्रिजिंग कर रहे हैं कार्बोनिल के साथ। ओके, दूसरा फेस आप देखिए कहां पर हो रहा है, देखिए ये फेस, ये फेस, ये फेस, देखिए यहां पर ब्रिजिंग हो रही है, ये कार्बोनिल, ओके, ये कार्बोनिल, और सॉरी इसके साथ हो रही है, आप देखिए इसको जो ब्रिजिंग है वो देखिए कहाँ कहाँ हो रही है, देखिए ये फेस है, ओके, ये इस मेटल के साथ कर रहा है, देखिए, और इस मेटल के साथ कर रहा है, ये तीन मेटल ले लिए, ठीक है, तो ये ब्रिजिंग हो गई। देन दूसरी ब्रिजिंग आप देखिए किसके साथ हो रही है, ये मेटल है, ये मेटल ब्रिजिंग कर रहा है, ये मेटल ब्रिजिंग कर रहा है, और ये मेटल ब्रिजिंग कर रहा है, जस्ट इसका अपोजिट फेस, कौन सा फेस है, देखिए ये फेस है, ये दिस वन, तो ये फेस कर रहा है, और जस्ट इसका अपोजिट वाला फेस भी क्या करेगा, ये तीन मेटल सेंटर, वन टू थ्री, थ्री मेटल सेंटर्स के बीच में, ओके, वन टू एंड थ्री, थ्री मेटल सेंटर्स के बीच में ये क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, और दो दो जो कार्बोनिल्स हैं वो इनके साथ क्या होंगे, टर्मिनल होंगी। देखिए कौन कौन सी कार्बोनिल टर्मिनल हो सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो देखिए 12 तो टर्मिनल कार्बोनिल है और चार क्या है, ब्रिजिंग कार्बोनिल, लेकिन कैसी ब्रिजिंग है, म्यू थ्री ब्रिजिंग है। दूसरा जो आप देखेंगे कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स और है, सीओ फोर सीओ ट्वेल्व, तो यहां पर आप देखेंगे फोर, अब ये फोर रह गया था, तो पेंटेन में ये स्ट्रक्चर है, और पेंटेन में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि आप देखेंगे कि ये कोबाल्ट टेट्राहेड्रली अरेंज हो गया है, इसमें छह बॉन्ड है, और जो कोबाल्ट है देखिए ये एक स्ट्रक्चर छूट गया था, तो ये कोबाल्ट जो है वो चार कोबाल्ट कार्बोनिल ब्रिजिंग बना रहे हैं, और दो दो कार्बोनिल इनमें क्या है, टर्मिनल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, तो हमने डिफरेंस देखा फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज में, और हमने देखा कि जो जो अंतर था वो स्टेबिलिटी दिखा और ब्रिजिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बोनिल था। तो टॉप टू बॉटम जाने में जो स्टेबिलिटी है वो मोनोकार्बोनिल्स की डिक्रीज होती है, लेकिन पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स की इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन मेटल मेटल बॉन्डिंग, और जो ब्रिजिंग टेंडेंसी है टॉप टू बॉटम जाने में क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसी बेसिस पर हमने मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर डिस्कस किए, डाइन्यूक्लियर या बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल्स के डिस्कस किए जिनमें हमने डिफरेंस देखा, और Mn2CO10 में स्पेशली सारी की सारी कार्बोनिल्स टर्मिनल होती हैं, और जो ब्रिजिंग है वो म्यू टू टाइप है, और ये हमने ट्राइन्यूक्लियर कार्बोनिल देखा, ट्राइन्यूक्लियर कार्बोनिल में भी जो ब्रिजिंग थी वो म्यू टू टाइप थी, क्योंकि दो मेटल सेंटर के बीच में ये ब्रिजिंग थी। और पॉलीन्यूक्लियर में अगर हम आए तो अगेन यहां पर भी आप M4 में अगर देखेंगे तो म्यू टू टाइप ब्रिजिंग है, लेकिन अगर आप M6 में देखेंगे तो ये म्यू थ्री टाइप ब्रिजिंग होती है। और इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं मेटल कार्बोनिल्स का। This is all about the structure of metal carbonyls. Thank you very much.